तो जानी लगी ईणा ते अम्मा जी मैं किया जीना हो तो जानी लगी ईणा ते अम्मा जी मैं किया जीना हो एक जानी बैंड कने बाजा ते दुई हो जानी सोटे बला है एक जानी बैंड कने बाजा ते दुई हो जानी सोटे बला है तो जानी लगी मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और हम एक गाना लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है D4 Films उसके ऊपर और वो गाना जो है वो मनोज कुमार मनु जी ने गाया है और उसमें जो अभिनय कर रहे हैं वो ऋतिका जी हैं हिमांशु जी हैं और कटोच जी हैं और भी बड़े सारे कलाकार हैं उसमें जो काम कर रहे हैं तो ये गाना जो है वो 31 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं हम नए साल पर ये गाना आ रहा है दो जानी लगी ना मतलब दो ऐसे कुछ करके गाना है दो जानी लगी ना तो हमने इसका टाइटल रखा है दो जानी तो इसमें हमने ये बताया हुआ है स्टोरी में कि लड़की जो है वो किसी से प्यार करती है मगर उसकी शादी कहीं और हो रही है तो उसका एक बड़ा अच्छा एक हम लोगों ने करा हुआ है आप ज़रूर देखें मैं चाहूँगा जो जो देखें वो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें सभी लोग हमें आप क्या कहते हैं जी बिल्कुल और एक बार फिर मुझे जो है D4 Films में काम करने का मौका मिला है बहुत प्यारा सॉन्ग है बचपन से मैं सुनते आई हूँ और मैं लकी हूँ कि इस सॉन्ग करने का मुझे मौका मिला है थैंक यू सो मच इसका म्यूज़िक तैयार करा हुआ है अंकित आशीष ने JKB और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हिमांशु जी और एक्टर भी हैं और साथ में सारी टीम प्रोड्यूस कर रही है थोड़ा थोड़ा करके तो इसका जो मेन थीम है वो बेसिकली हमारा हिमाचली ही है क्योंकि चंबा की लैंग्वेज पे ये सारा गाना बना हुआ है तो आप जरूर देखिए गाइस थैंक यू नमस्कार जी मैं आपका अपना मनोज मनु हमारा जो दो दो जानी लगी गिना जो गीत है आज उस गाने की जो वीडियो है उसकी शूटिंग का आज अंतिम दिन था और इस शूटिंग के दौरान हम सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया इस गाने ये जो गाना है चंबा का एक काफ़ी पुराना गीत है उसको हमने एक नए अंदाज में पेश करने को खासकर वीडियो के माध्यम से हमने और हमारी चंबा के जो खूबसूरत हंसी वादियां हैं उन वादियों को में इस गाने को जो फिल्माया है और इसमें मैं विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पूरी टीम का जिसमें हमारे पंकज शर्मा जी हैं ऋतिका जी हैं कटोच जी हैं इन सब लोगों का पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज जो है ये गाने का शूट कम्प्लीट हुआ है और इस गाने को जो है नए साल के उपलक्ष्य पे जो है 31 दिसंबर के बाद जो है इस गाने को हम जो है रिलीज करने जा रहे हैं तो गाइस जिस तरह से आप सब लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहा है हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरह से इस गाने को आप जो है सपोर्ट करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद